आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम केंद्रांसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तज्ज्ञांनी केलेले डिझाईन, अव्वल रॅकिंग आणि प्रमाणित प्रशिक्षकांनी चालविलेले ऑन ग्राउंड अभ्यासक्रमासह परिपूर्ण असलेली क्रिकेट अकॅडमी ऑफ पठाण या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्राचे माजी आंतरराष्ट्रीय अष्टपैलू क्रिकेटपटू इरफान पठाण यांच्या हस्ते पनवेलमधील कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या प्रांगणात उद्घाटन झाले. यावेळी CAP अकादमीचे व्यवस्थापकीय संचालक हरमीत वासदेव देखील उपस्थित होते. क्रिकेट अकादमी ऑफ पठाणचे 2024 पर्यंत देशभरात 100 अधिक केंद्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत पनवेलमधील कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या प्रांगणात सर्व सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असलेली अकॅडमी लॉन्च करण्यात आली आहे. या अकॅडमीच्या माध्यमातून पनवेल विभागातील इच्छुक युवा क्रिकेटपटूंचे स्वप्न साकार होणार आहे. यावेळी अमोल गुंड, विजय खारकर, श्रीकांत घोलप, यासिन भरमार, रोहन पाटील आदींसह इतर मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने क्रिकेट अकादमीचे संस्थापक इरफान पठाण यांनी सर्वोच्च स्तरावर क्रिकेट खेळण्याचा त्यांचा अनुभव सांगितला. तसेच देशातील स्पर्धात्मक क्रिकेट सर्किटमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी नियमित सराव, फिटनेस, समर्पण आणि कठोर परिश्रमाच्या यावर आपला भर असल्याचे सांगितले. इमेजिन करिए, अगर मेरे माता पिता स्पेशली जब मेरे वाले 15 घंटे काम करते थे, 8 घंटा फैक्ट्री में काम करते थे और उसके बाद पूरा टाइम मस्जिद में लगे रहते थे, बहुत कम सोते थे और उसके बावजूद जब उनकी जो तनख्वाह हाथ में आती थी, आजकल कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, 3,500 रुपये महीना, 3,500 रुपीज मंथली उनको जब सैलरी मिलती थी, उसके बावजूद हम 5 लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पालते थे, संभालते थे. और इमेजिन करिए, अगर उस वक्त हमारे वालिद साहब ने ये कहा होता कि बेटा आप क्रिकेट मत खेलिए, तो मैं आज कुछ और काम कर रहा होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता. सो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई को सपोर्ट किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे. लेकिन आज जो यहाँ पे मेरी तारीफ हो रही थी कि मैं हैट्रिक लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब मेरा ज़माना चला गया, अब ज़माना आने वाला है इन बच्चों का. और मेरी यही उम्मीद है कि आने वाले बच्चे हमारी क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान से बहुत निकले. ऑलरेडी 180 बच्चे हमारी जितनी भी अकेडमी चल रही है पूरे मुल्क में, 180 बच्चे या तो डिस्ट्रिक्ट को खेल चुके हैं, या तो अंडर-19 लेवल पर खेल चुके हैं, या तो रणजी ट्रॉफी लेवल पर अभी खेल रहे हैं. मेरी यही उम्मीद रहेगी पनवेल से भी आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चे निकले, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज नजर आ रही है, अमोल जी आपकी जो फैसिलिटीज है ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं जरूर पिच पे जाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा वहाँ पे क्या हाल है, लेकिन ये इतना बड़ा मैदान देख के यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.